ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिनकी कहानी सुनकर आप सब काफ़ी खुश होंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये कहानी काफ़ी इंस्पायर करने वाली है। जी हाँ, इस महिला की उम्र है 87 और इन्होंने इस उम्र में क्या किया होगा कि मैं इनकी कहानी सुना रही हूँ, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम है उषा गुप्ता, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कोविड का सेकेंड वेव आया और ये और इनके हस्बैंड दोनों ही कोविड के चपेटे में आ गए। करीब एक महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इन्होंने तो सब कुछ झेल लिया लेकिन इनके पति सब कुछ झेल नहीं पाए। एक महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मानो दुख का पहाड़ टूट गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें बहुत मजबूत भी बना देती है। उषा काफ़ी मजबूत बन चुकी थी, अब उनके लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने खूब काम करने का सोचा। फिर वो सोच नहीं रही थी कि कैसा काम कर पाएंगी। आपको बता दें कि उषा की नातिन जो है वो डॉक्टर हैं और एनजीओ भी चलाती हैं। उषा ने ये ठाना कि अब अपनी सारी जितनी भी बची कुची जिंदगी है वो गरीबों की मदद में और बाकी लोगों की सेवा में लगाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कोविड वार्ड में लोगों को जिंदगियों के साथ जूझते देखा, अपने पति को जूझते देखा, कई ज़रूरतमंदों को देखा, यह सब देखकर उन्होंने ये करने का ठान लिया है। अब 87 वर्ष की आयु में वो बहुत वैसे काम तो नहीं कर सकती थी जो एक युवा कर सकता है, तो उन्होंने फिर अपने नातिन को कैश दिया। उनकी नातिन ने कैश लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इस प्रकार से मदद नहीं करनी है। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने पिकल्स और चटनी का काम शुरू किया और इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो इसको बेचती हैं और एक महीने के भीतर 200 से ज़्यादा बॉटल्स उनके बिक चुके हैं और इससे जो भी कमाई होती है वो कोविड मरीजों के लिए डोनेट करती हैं। और बता दें कि उनकी मौत के बाद इनकी ज़िंदगी काफ़ी उदास हो गई थी और इनके पास अब कुछ अपना करने के लिए बचा नहीं था। ये सोच में पड़ गई कि अब नातिन तो मुझसे कैश लेने रही, तो फिर मैं लोगों की मदद कैसे करूं? उन्होंने ही आइडिया दिया, यानी कि उनकी नातिन ने ही आइडिया दिया कि आप अचार अच्छा बनाते हो तो क्यों ना इसी की मार्केटिंग की जाए, इसकी कमाई से आप डोनेट भी कर देना और आपका मन भी लगा रहेगा। फिर पिकल्ड विथ लव नाम का बिजनेस शुरू किया। मार्केटिंग रिसोर्सेज का नाम उनकी नातिन ने रखा, मार्केटिंग कैसे करना है, बाकी चीज़ें कैसे करना है, सब कुछ वो करती हैं। ये अपने प्यार से पिकल्स बनाती हैं और इस प्रकार से इन्होंने खूब मेहनत किया है। और आपको बता दें कि एक बार में 10 किलो आम की चटनी और अचार बनाती हैं। जब एक बार ये काम पूरा हो जाता है तो फिर से 10 किलो आम लेकर चटनी और अचार बनाने में लग जाती हैं। 200 ग्राम के एक बॉटल अचार की कीमत उन्होंने 150 रुपये रखी है। फिलहाल उषा गुप्ता 3 तरह के अचार और चटनी की मार्केटिंग कर रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से कनेक्ट भी होती हैं। 65,000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद भी कर चुकी हैं। तो बेहद ही इंस्पिरेशनल कहानी है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग महिला ये सब करने को सोचती है कि बहुत बड़ी बात होती है। जब उनके हस्बैंड की मौत हुई, उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा, फिर ये स्टेप लिया। तो फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।